नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे गैजेट्स लेकर आए हैं जो कि आपके किचन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर 10 पर है स्मार्ट टिफिन। दोस्तों, ये प्रोडक्ट तो सभी को लेना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक न एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको टिफिन लेकर न जाना पड़ता हो। अरे भाई बिल्कुल, क्योंकि जो काम पर जाता है या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लंच तो लेकर सभी को जाना पड़ता है। लेकिन मजा जब खराब हो जाता है जब लंच बॉक्स में रखा खाना खाते समय ठंडा हो जाता है। इसीलिए ये लंच बॉक्स आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये खाना को ठंडा नहीं होने देता है। इसमें एक हीटर लगा है जिससे कि खाना खाने से थोड़ी देर पहले इसको ऑन कर देने से ये विदिन 30 मिनट्स में खाना को गर्म कर देता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपनी जगह से ही इसको ऑन कर सकते हैं। वैसे ये मिल्टन कंपनी का है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 9 पर है पोटैटो स्पाइरल। दोस्तों, होटल या रेस्टोरेंट में तो आपने पोटैटो स्पाइरल बहुत खाए होंगे, और अगर आपका मन ज्यादा ही इनको खाने का करता है तो आप इस गैजेट को मंगा लीजिए और अपने घर पर जब चाहे तब पोटैटो स्पाइरल बनाइए। इससे पोटैटो स्पाइरल फटाक से बन जाता है और आपको सुखाना भी नहीं पड़ता है। पोटैटो स्पाइरल बनाने के लिए इसके स्टील वायर में पोटैटो को लगाकर इसके स्पाइरल को घुमाते जाइए और चिप्स की लंबाई अपने साइज के हिसाब से रख सकते हैं। अब बने हुए चिप्स को ऑयल में डालकर तल लीजिए, और फिर क्या, तलने के बाद बढ़िया नमक डालकर सर्व कीजिए और घर पर ही पोटैटो स्पाइरल का मजा लीजिए। वैसे आप चाहो तो इसकी मदद से रोजाना अपने घर पर पोटैटो स्पाइरल बना सकते हैं। बस आपको इसके लिए बढ़िया क्वालिटी के आलू का चयन करना होगा। नंबर 8 पर है स्प्लिटर प्रोटेक्टर। तो दोस्तों, जब भी हम किचन में कुछ भी फ्राई करते हैं तो ऑयल के छींटे हमारे ऊपर गिरते हैं, जिससे कभी कभी तो हम जल भी जाते हैं, और हमारे साथ ऑयल किचन की वॉल को भी गंदा करता रहता है। और इसके लिए हमें कोई बढ़िया गैजेट ही नहीं मिलता है, तो हम लाए आपके लिए ये स्प्लिटर प्रोटेक्टर। इसको आप अपने कढ़ाई या फिर किसी भी बर्तन के ऊपर रख सकते हैं, जिससे ये आपकी कढ़ाई की ऊंचाई को बढ़ा देता है और छींटों को बाहर नहीं आने देता है। इसके साथ आपको एक ढक्कन भी मिल जाता है, जिससे आप इस प्रोटेक्टर को ऊपर से रख सकते हैं। अगर आपके मन में इसके साइज को लेकर इसके रखरखाव की समस्या का ख्याल आ रहा होगा, तो आपको बता दूं कि ये प्रोटेक्टर फोल्ड होकर एक प्लेट जितना बड़ा हो जाता है, जिससे इसको रखने में कोई समस्या नहीं आती है। नंबर 7 पर है डिवाइडर कढ़ाई। तो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक साथ ज्यादा खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा कम पड़ जाता है, और ज्यादातर घरों में तो ये समस्या आती ही रहती है, तो ये गैजेट उस टाइम आपके बहुत काम आएगा। ये कढ़ाई है जिसमें आप एक साथ दो चीजों को बना सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप इस कढ़ाई की मदद से खाना बनाते हैं तो आपका काम कितना आसान हो जाता है, और इसका साइज भी बड़ा है, इससे आपका पूरा खाना एक बार में ही बन जाएगा। ये कढ़ाई आपको नॉनस्टिक और स्टेनलेस स्टील दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी, इससे आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं। इसका मटेरियल ऐसा है कि अगर आपका खाना इसमें जल भी जाता है तो फिर भी इस पर खाना चिपकता नहीं है, और ये जल्दी से साफ हो जाता है। नंबर 6 पर है डाइवर्जन बोतल। तो दोस्तों, क्या जॉगिंग पर या जिम जाते समय आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसको आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, और उस समय आपके पास ज्यादा पॉकेट भी नहीं रहती है? तो आप इस बोतल को ले लीजिए। इसमें आपको नीचे से सीक्रेट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने छोटे मोटे सामान को आसानी से दूसरों से छिपा सकते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इस बोतल में कुछ सामान भी छिपा है। और दोस्तों, ये बोतल एक थर्मल बोतल ही है, जिससे ये आपके लिक्विड को 12 घंटे तक ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म ही रखेगा, और ये बढ़िया स्टेनलेस स्टील से बना है, जिससे ये जल्दी टूटेगा भी नहीं। नंबर 5 पर है ये विस्क ब्लेंडर। दोस्तों, छोटी मथानी या विस्क ब्लेंडर की जरूरत तो हर किसी किचन में रहती है, और आपको पता है कि मथानी से हाथ कितना थक जाता है, और मोटर वाली मथानी तो बहुत महंगी आती है। तो हम आपके लिए लाए हैं ये विस्क ब्लेंडर। ये एक ऐसा ब्लेंडर है जिसको आपको हाथ से घुमाना नहीं पड़ेगा, बस इसको किसी बर्तन में रखकर इसके हैंडल को ऊपर नीचे करते रहना है, और ये ब्लेंडर बिल्कुल एक मथानी की तरह तेजी से घूमने लगेगा, जिससे आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। इसकी बढ़िया बात ये है कि ये आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है, और इसका प्राइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं, और आप वहां से डायरेक्ट इसको परचेज भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर है कॉटन कैंडी मेकर। दोस्तों, अगर ये गैजेट आपके घर पर है तो आपके बच्चे बार बार चॉकलेट के लिए जिद नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैजेट उनके पसंद की चीज को घर पर ही बना देगा। तो दोस्तों, आपने बुढ़िया के बाल तो खाए होंगे। अरे असली बुढ़िया के नहीं, वो बुढ़िया के बाल जिन्हें शहर के लोग कॉटन कैंडी भी बोलते हैं। तो ये मशीन आपके घर पर ही कॉटन कैंडी बनाकर देगी,
इसमें आपको बस थोड़ी शक्कर और इसका फ्लेवर डालना है और बस किसी भी स्टिक पर कॉटन कैंडी को अपने डिजाइन के हिसाब से निकालते जाओ। इसका यूज करना भी बहुत इजी है, बस एक बार इसमें शक्कर डालकर इसके ऊपर स्टिक घुमाते रहें और कॉटन कैंडी अपने आप स्टिक पर आ जाएगी। नंबर 3 पर है सॉस बाइंड बैग्स। तो दोस्तों, क्या आप अपने खरीदे हुए फल या सब्जी को लंबे समय तक बचाकर रखना चाहते हैं, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियां जल्दी खराब ना हो, तो हम आपके लिए ये सीक्रेट गैजेट लेकर आए हैं और इसका नाम है सॉस बाइंडिंग बैग्स। इसमें आप अपने सब्जी और फल आदि को रखकर इसके ऊपर दिए गए लॉक से इसको एकदम सील पैक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सब्जी और फल जल्दी खराब नहीं होंगे। इसके साथ आपको एक छोटे साइज का वैक्यूम मशीन भी मिलने वाला है, जिससे आप इसके अंदर की पूरी हवा को बाहर निकाल सकते हैं, और जब तक आपके फल और सब्जी हवा के कॉन्टेक्ट में नहीं आती है तो ये बहुत जल्दी खराब भी नहीं होती है। इसकी खास बात ये भी है कि इसकी वैक्यूम मशीन चार्जेबल है। नंबर 2 पर है मल्टीफंक्शनल राइस कुकर। दोस्तों, अपने भारत में राइस बहुत खाए जाते हैं, फिर चाहे जीरा राइस हो या फिर पंजाबी पुलाव, तो ये गैजेट स्पेशली राइस के लिए ही बनाया गया है और इसके लिए आपको कोई गैस स्टोव की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको खुद का इंडक्शन सिस्टम मिल जाता है, जिसको आप डायरेक्ट बिजली से ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें आपको राइस के कच्चे रहने का भी कोई झंझट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें तरह तरह के मोड मिल जाते हैं, जिससे आप अपने राइस के हिसाब से इसे सिलेक्ट करके अपने राइस को बढ़िया पका सकते हैं। और जैसे ही आपके राइस बढ़िया पक जाते हैं तो ये अपने आप ही खुद ही बंद हो जाता है। इसमें आप राइस के साथ साथ उबली हुई सब्जियां, करी आदि भी आसानी से बना सकते हैं, और ये कुकर के जैसे कोई खतरनाक भी नहीं है। इसको भी साफ करना बहुत इजी है। नंबर 1 पर है सोन लैडल। दोस्तों, खाना खाते समय एक घटना तो हर किसी के साथ कॉमन ही है कि दाल के बाउल में चम्मच डूब जाती है। इसको निकालने से हाथ में दाल लग जाती है, जो कि अजीब काम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये सोन लैडल आपको लेना चाहिए। इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे ये दाल में तो क्या पानी में भी नहीं डूबेगा, जिससे आपको खाना सर्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसका डिजाइन भी आपको बहुत सुंदर सा मिल जाता है, जिससे ये आपकी टेबल की सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के गैजेट की लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए गैजेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।